हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा टुडेज अवर टॉपिक इज़ बुक कीपिंग टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग तो आइए देखते हैं बुक कीपिंग होता क्या है इन सिंपल वर्ड बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे जब हम अपने रिकॉर्ड्स जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं तो इसको बोलते हैं बुक कीपिंग ऑल द मोनीटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फॉर सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं हम साल के अंत में मीन्स ईयर एंडिंग में हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इसलिए हमें ईयर एंडिंग में जब इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है डेट वाइज कि हमने किस डेट पे क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया तो हमारे लिए उस समय काम आती है बुक कीपिंग बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली वन ईयर के लिए हम ये सारा रिकॉर्ड करते हैं इट मीन्स बुक कीपिंग और कुछ नहीं है हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन वाइज इसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं बुक में और वो लगभग हम एक साल के पीरियड के लिए करके रखते हैं तो जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है आप देख सकते हैं तीन डेफिनेशन हैं तीन से चार डेफिनेशन हैं आप कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं यहाँ पे जहाँ पर जे आर बाल्टी बॉय के हिसाब से बुक कीपिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं सेट ऑफ बुक्स हैं और सभी सेट ऑफ बुक्स में हम अलग अलग रिकॉर्डिंग मेंटेन करके रखते हैं जैसे कैश बुक में हम कैश के रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं परचेज बुक में हम परचेज के रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं तो बुक कीपिंग और कुछ नहीं है सिर्फ मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सेकेंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इट मीन्स द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड विथ मनी इज रिकॉर्डेड इन द बुक कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स आर प्रिपेर फॉर साइंटिफिक पीरियड स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर बिजनेस रेफरेंस अधिकतर आप जो रिकॉर्ड्स uh, करते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड करते हैं दैट इज फॉर द वन ईयर एंड जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको सेव करके रखा जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन वो सारे रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही रिकॉर्ड करेंगे इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली तो बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है सिर्फ हम एक प्रकार से आर्ट है जहाँ पर हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और साइंटिफिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए ही रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है हम क्यों बुक कीपिंग कर रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू कम्प्लीट एंड एक्यूरेट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो सिस्टमैटिक तरीके से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कीप डेट वाइज और अकाउंट वाइज ही उसको मेनटेन किया जाएगा तो मेन हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इसलिए बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं ताकि जितने भी ट्रांजेक्शन है डेट वाइज या फिर अकाउंट वाइज हमें ईजिली अवेलेबल हो सके बुक कीपिंग सर एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस बिजनेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एज एन एविडेंस जहां पर भी जरूरत होगी जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी तो बुक कीपिंग के जो एविडेंस रहेंगे मीन्स हमने जो भी रिकॉर्ड किया है उसको हम एज अ एविडेंस एज अ प्रूफ किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं बाई चांस कल को चल को अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई भी हमारे बीच में किसी के झगड़े होते हैं या कई प्रकार के केस होते हैं तो हम वहाँ पे बुक कीपिंग दिखाकर अपने रिकॉर्ड्स को दिखाकर अपने एविडेंस शो कर सकते टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें अपने बिज़नेस के प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अगर निकालने हैं तो हम बुक कीपिंग के थ्रू बिज़नेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिज़नेस को मेनटेन कर सकते हैं हमें पता चल जाता है साल में हमने कितना प्रॉफिट लिया है या कितना लॉस हुआ है नेक्स्ट पॉइंट्स इज दैट टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस कितने एसेट है हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है एक्चुअल एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होते हैं आप मेरे फर्दर वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं टू नो वॉट द बिजनेस मैन ओस टू वॉट अदर एंड ओस टू मी मतलब यहाँ पर हमें यह पता चल जाता है कि कितना बिजनेस मैन किसी की तरफ लेता है मतलब कितना हमें लेन कर लेन देन करना है किसको कितना देना है किससे कितना लेना है ये सारी इंफॉर्मेशन जब तक हम बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगी सेवन पॉइंट्स इज दैट बिजनेस मैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस हमें पता चल जाएगा और हम कंपेयर भी कर सकते हैं हमने लास्ट ईयर कितना प्रोग्रेस किया था इस साल हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं इट मीन्स एक बिजनेस मैन कम्पेयर कर सकता है कि इस साल कितना प्रोग्रेस हुआ है और लास्ट ईयर कितना प्रोग्रेस हुआ था आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग सबसे पहला इम्पोर्टेंस दिया है रिकॉर्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन सो वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इसलिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं और इसी रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बुक कीपिंग हम इतने सारे ट्रांजेक्शन तो याद नहीं रख सकते तो कहीं ना कहीं अगर हमने मेंटेन किया है रिकॉर्ड्स तो हम कहीं कहीं पर भी उसको शो कर सकते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शो करता है आपका बिजनेस सारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपके बुक कीपिंग से ही पता चलती है बुक कीपिंग इज़ यूजफुल टू गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस एसेट्स लाइबिलिटी कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये सब की जानकारी आपको बुक कीपिंग करने के बाद ही पता चल पाती है नेक्स्ट पॉइंट से इज दैस बिजनेस डिसीजन बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेस और अगर जब तक हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे इसलिए बुक कीपिंग की हेल्प से हम डिसीजन आराम से ले पाते कंट्रोलिंग बुक कीपिंग एनेबल द एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज सभी एक्टिविटीज़ जो हैं हम इजिली कंट्रोल कर पाते हैं. अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो हम एक्टिविटीज़ भी इजली कंट्रोल कर पाएंगे एविडेंस बिजनेस बिजनेस मैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बाई चांस कुछ झगड़े होते हैं कहीं डिस्प्यूट्स होते हैं कुछ ग्रीवियंसेस आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस केस में हमारे पास ये बुक कीपिंग एक प्रकार से रिकॉर्ड है जहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं इवन सिक्स पॉइंट्स इज दैट टैक्स लाइबिलिटी इवन हम टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करनी है इट मीन्स कितना इनकम टैक्स पे करना है कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है कितना जी देना है ये सब तभी पता लगा पाएंगे जब हम बुक्स करेंगे द बुक्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इट मीन्स बुक कीपिंग हेल्प्स इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस सारी इन्फॉर्मेशन जो बुक हमारे बिजनेस की है वो हमें बुक कीपिंग से ही पता चलती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू